So hey guys, welcome back to my channel once again. So this is the Sanjit and you're watching my channel. तो आज इस वीडियो में हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर बात करेंगे. ना कोई आज लाइटरूम का वीडियो है, ना ही कोई पबजी का वीडियो है. तो ये एक एक्चुअली इंस्टाग्राम का वीडियो है. तो बेसिकली क्या होता है, आप काफ़ी बार देख चुके होंगे स्वाइपेबल पोस्ट, मतलब जो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा. अगर आप सोच रहे हैं मैं मोबाइल फ़ोन हाथ में क्यों पकड़ा हूँ, तो बेसिकली ये कैमरा का ट्रिगर भी काम करता है, ऊपर से ये साउंड भी रिकॉर्ड करता है. हेलो हेलो रिकॉर्डेड. सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप कैसे स्वाइपेबल पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपको नहीं पता स्वाइपेबल पोस्ट क्या होता है, तो आप काफ़ी बार देखे होंगे, अगर आप पुराने इंस्टाग्राम यूज़र हो, अगर काफ़ी बार देखे होंगे कि जब कोई फोटो पोस्ट करता है तो एक से ज़्यादा फोटो होता है, मल्टीपल फोटोज होता है. अगर आप स्वाइप करेंगे तो सिंगल फोटो टू पोर्शन में डिवाइड हुआ रहता है. जब स्वाइप करेंगे तो एक सिंपल फोटो है, सिंगल फोटो जो कि पैनोरामा फोटो है, लॉन्ग फोटो, और दो पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट फोटो वहाँ पर पोस्ट कर किया होगा कोई. अगर ऐसे काफ़ी आप देखे होंगे, अगर आप तभी सोचे होंगे ये कैसे बनाए जाते, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. एंड जब इंस्टाग्राम की बात कर ही रहे हैं तो जरूर से मुझे फॉलो कर, इंस्टाग्राम में मेरा न्यू इंस्टा आई डी है @OASanjit, और यहाँ पर आपको पॉपअप हो सकता है. और सो Now what? So what? Now go and let's move to the video parts. So before moving to video parts, if you haven't followed me Instagram, go and follow me as I said before. My Instagram ID is OASanjit, O-Y-E-S-A-N-J-I-T, or link in the description. Or if you haven't subscribed me yet in this YouTube channel, then please subscribe because I am here to bring a video related to the Instagram, photography, editing and social media, which is also include Facebook, WhatsApp. Yes, basically I am all rounded YouTuber, wasting any more time, let's move to the video part. So guys, फिर से हो गया. तो मैंने अपना माइक ऑन नहीं किया था और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, तो मेरा चेहरा जितना मेहनत था स्पीकिंग में सब हो गया वेस्ट. तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, आपको सर्च करना है, चलो पहले मैं फोकस करके दिखा देता हूँ. तो आपको सर्च करना पैनोरामा क्रॉप फॉर इंस्टाग्राम. सो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मेरे को डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, तो आप डाउनलोड कर ले. तो डाउनलोड करने के बाद आप खोले ओपन, खोलने के बाद आपको यहाँ तीन सेक्शन दिखेगा. तो पहले था न्यू स्वाइपेबल पोस्ट, फिर मैं फोकस कर लेता हूँ पहले. सो जैसे हम लोग न्यू स्वाइपेबल पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हम लोग क्लिक करेंगे. और मैं वॉइस ओवर में ये इको हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं कभी वॉइस ओवर किया नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ. सो हम लोग क्लिक कर दें. क्लिक करने के बाद आपका गैलरी खुल जाएगा. आप सिंपली आपको यहाँ पर अपना फोटो सेलेक्ट करना है जो आप स्वाइपेबल पोस्ट में कन्वर्ट करना चाहता है. तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके रखे हो तो ये पोस्ट आपको जरूर पता होगा, मेरा लेटेस्ट पोस्ट. तो उसी वही फोटो मैं क्लिक कर देता हूँ. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉप आ गया, तो आपको क्रॉप कर लेना है कौन सा पोर्शन ऑफ ये फोटो आप देना चाहते हैं. और अगर हम लोग क्या हो रहा है पता नहीं, मैं क्या जो बोल रहा था मैं इस पार्ट में, ये वॉइस ओवर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, और इको भी हो रहा है. अच्छा, तो अगर नीचे की तरफ देखे तो वहां पर आपको, चलो मैं पहले फोकस कर लेता हूँ. हाँ, तो आपको यहाँ पर देखेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि आप 10 पोस्ट तक स्प्लिट कर सकते हैं सिंगल फोटो को. तो देखिए अगर 10 में क्लिक करते हैं तो 10 पोर्शन आता है, लेकिन आपका जो फोटो का साइज है तो उसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए उसका साइज छोटा कर देता है. तो हम लोग 2 में ही जाएंगे, अब 3 भी कर सकते हो. तो 3 उतना खास नहीं लग रहा था, तो मैं फिर 2 में ही करूँगा. फिर सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली ऊपर की तरफ अप राइट में देखेंगे तो वहाँ पर टिक का बटन है, सिंपली आप वहाँ पर टिक कर दे.
टिक करने के बाद आपका फोटो कुछ ऐसा प्रीव्यू में आ जाएगा, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं फर्स्ट फोटो सेकंड फोटो फर्स्ट पोस्ट, फिर इसमें भी अप राइट में टिक का बटन है, उसमें टिक का बटन में क्लिक कर दे। चलो मैं भी करता हूँ, कर बे जल्दी। हाँ क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आता है, आप चाहे तो ये जो एप्लीकेशन है पूरा काट के आप इंस्टाग्राम खोल के पोस्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है ओपन इंस्टाग्राम, तो मैं चलो यहाँ से इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ डायरेक्ट। खोल मेरा भाई। हाँ तो इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर मेरा मैसेज खुल गया था तो मैं स्क्रीन को ब्लैक कर दिया। फिर जाएंगे प्लस का बटन में, हम लोग यहाँ से अपना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, तो देख सकते हैं आप दो फोटो ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पर सेलेक्ट मल्टीपल क्लिक करके वन एंड टू सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं बस सिंपली डन, यहाँ से ऊपर अगर नेक्स्ट में दबा देते हैं, चलो दबा दे, तो नेक्स्ट में दबाने के बाद यहाँ पर आपका कैप्शन कुछ भी आप जैसे आप इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं सिंपली आप ऐसे सिंपली पोस्ट कर दें। अब बस यहीं तक था, तो होप यू गाइस लाइक योर वीडियो, इफ़ यू डिडंट लाइक देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, इफ़ यू लाइक देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। तो ये मेरा वॉइस ओवर फर्स्ट टाइम था, गलती बहुत हुई होगी और इको भी हो रहा है पता नहीं क्यों। सो एस आई एम वर्किंग ऑन माई वीडियो क्वालिटी एंड आई विल सून वर्किंग ऑन माई ऑडियो क्वालिटी टू, प्लीज गिव माई टाइम और कमिंग वीक मोर वीडियोज कमिंग सून। टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।